है ना उतने आदर्शालों का उनको प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज़ #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल केवी का धन्यवादी हूं कि जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। वृक्षारोपण एक ग्रीनरी ही नहीं ला रहा है, एक जोड़ रहा है हमें नेचर के साथ। और ये प्रिंसिपल जो कर रहे हैं, मैंने देखा है बड़ा एरिया, सिर्फ ये वृक्षारोपण ही नहीं इन्होंने किया बल्कि इसका जो सर्वांगी विकास कर रहे हैं, जो ग्राउंड ये बना रहे हैं। और मैंने इनको सजेशन दिया है कि इसमें बच्चों को भी सम्मिलित करें। इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि CRPF जो है, हमारा यहाँ का उद्देश्य 60,000 पेड़ हम लगाएंगे। हमारे 2 ग्रुप सेंटर हैं, GC1 30,000 लगा रहा है पेड़ और GC2 30,000, तो इसको हम भी पूरा करेंगे। धन्यवाद। 30,000 पेड़ लगाने का जो है कब से कब तक रहेगा सर? ये इस सीजन का है। हमारा टोटल लक्ष्य जो CRPF का, वो तो बहुत बड़ा है, वो तो लाखों में सबसे बड़ा हम ही लगा रहे हैं, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है और ये वर्षा का सीजन पूरा होते होते हम इसको पूरा कर देंगे। बिल्कुल, आज जो कैंपस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, इसके लिए बहुत बहुत मैं मीणा साहब को साधुवाद देता हूँ। और विद्यालय परिसर में इस प्रकार से वृक्षारोपण करना बच्चों के साथ जागरूकता का भी कार्यक्रम है। उस बच्चे अगर उस पौधे को देखेंगे तो हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि एक जो जंगली पौधा होता है, उसको किसी भी प्रकार की न तो खाद की ज़रूरत है, न पानी की ज़रूरत है, मगर अगर कोई ढंग का पौधा लगाना हो तो उसको खाद की भी है, मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है। इसके नीचे जो खरपतवार निकलती है वो समय पर निकाल दी जाए तो ख़त्म हो सकती है। तो बच्चों में इस प्रकार का संदेश कि पेड़ भी तैयार हो और जो छोटी छोटी खरपतवार है उसके माध्यम से उनके संदेश कि अगर उनके जीवन में कोई बुराई छोटे रूप में पहली बार प्रवेश कर रही है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जा सकता है। तो एक दोनों संदेशों को करते हुए निश्चित रूप से जो आपने ये कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। सर, उद्देश्य ये था कि अभी विद्यालय में पूरे 35 साल में 220 पेड़ थे लगभग, अब हमारे 400 पेड़ और नए लगा रहे हैं ताकि पर्यावरण को लाभ हो। और सब पेड़ जो लगा रहे हैं बिल्कुल करीब 8 से 10 फीट के हैं और लगभग सारे गड्ढे खुदवा दिए गए। हमने पानी की पाइपलाइन बिछा दी है, गड्ढे खुदवा दिए हैं, मतलब जो रेतीली ज़मीन वो डाल दी है, मेडिसिन जो इसकी लगती है वो लगा दी है। और आज से हम चला रहे, महोत्सव शुरू किया है। लगभग ये प्रोग्राम हमारा 1 महीना 2 महीना चलेगा। यहाँ पूरा होने के बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे हम। कितने पौधे थे और कौन कौन से पौधे? हमारे 150 तो हमारे अशोक के पौधे हैं, 150 हमारे नीम के पौधे हैं, 40 हमारे नींबू के पौधे हैं, 40 हमारे अमरूद के पौधे हैं और 40 हमारे जामुन के पौधे हैं और बाकी हमारे कचनार के हैं करीब 100 पौधे। कौन कौन लोग आज मौजूद हैं? आज हमारे ऑनरेबल, हमारे जो मेयर साहब है धर्मेंद्र गहलोत साहब है, हमारे ऑनरेबल सर DG साहब है रेंज के, और हमारे CO साहब हमारे हैं। और अभी हमारे और एक सुबह हमारे जो मुख्य संरक्षक है सीआर मीना जी, वो थे। अभी मैडम SDM मैडम आ रही है, तहसीलदार मैडम आ रही है और बहुत सारे अभी लोग अभी